डिप्लोमेसी पर चीन की कौन सी साजिश को सैटेलाइट इमेज ने किया एक्सपोज? भारत के खिलाफ कहां युद्धक हेलीकॉप्टरों की फौज तैनात कर रहा है ड्रैगन? सीमा विवाद को लेकर कौन सी मंशा पाले बैठा है चीन? आज कश्मीर में कितने आतंकियों का सफाया? भारत विरोधी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। चीन एलएसी पर जंगी मिशन में जुटा है, इसका खुलासा एक सैटेलाइट इमेज से हुआ है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चीन तिब्बत के गोलमुड में कई बड़े हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहा है। एलएसी पर चीन न सिर्फ तेजी से एयरबेस बना रहा है बल्कि पुराने एयरफील्ड को भी अपग्रेड कर रहा है। तिब्बत में चीन के हेलीपोर्ट निर्माण पर यह भी खुलासा हुआ कि चीन यहां अपने 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों की फौज तैनात कर रहा है। चीन ने गोलमुड में हेलीकॉप्टरों के लिए 63 से ज्यादा हैंगर बनाए। इससे साफ है कि चीन ने भारत से युद्ध की तैयारी तेज कर दी। यूएस सीनेटर जॉन कॉर्निन ने अमेरिकी संसद में भारत को लेकर चीन की खतरनाक मंशा का खुलासा किया है। कॉर्निन के मुताबिक एलएसी पर चीन सीमा विवाद ही पैदा नहीं कर रहा बल्कि युद्ध जैसा व्यवहार भी अपना रहा है। चीन को पड़ोसी देशों के लिए एक गंभीर खतरा भी बताया। भारत फ्रांस ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने कहा है कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अलकायदा, आईएसआईएस, लश्कर, हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव में पाकिस्तान झुक गया है। अब कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार मिलेगा। कुलभूषण को लेकर पाकिस्तानी संसद में बिल पास हुआ है। पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी के फैसले पर आईसीजे ने रोक लगाई हुई है। दक्षिण कश्मीर के दो इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कुलगाम के पोम्बे और गोपालपुरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई। आतंकियों ने बारामूला में सीआरपीएफ टीम पर ग्रेनेड अटैक किया जिसमें 2 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में जुटे। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ता दिखा जिस पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग भी की। वहीं जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के जवानों ने गोलीबारी कर आतंकियों की घुसपैठ नाकाम की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय में गृह सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें एनआईए, सीआरपीएफ, डीजी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी शामिल हुए। इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ ठोस और कड़े एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर चर्चा हुई। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।